नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। डॉक्टर सर्वेश निराला पर उन्हीं की पत्नी अर्चना ने लगाया कुकर्म व दूसरी लड़कियों के साथ रंगरलिया मनाने का आरोप। दरअसल नजीबाबाद के दो डॉक्टरों के बीच मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह बाद भी मुकदमा दर्ज न होने से नाराज महिला अचानक CO दफ्तर पर पहुंच गई, जहां पर उसने अपने पति डॉक्टर सर्वेश निराला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। एक सप्ताह पूर्व पुलिस ने पति पत्नी का झगड़ा बताते हुए आपसी सुलह होने की बात कही, परंतु आज पीड़िता ने इस बात का खंडन किया है, कानून से इंसाफ की मांग की है। दरअसल कुछ दिन पहले शराब के नशे में धुत होकर डॉक्टर सर्वेश निराला ने समीपुर अस्पताल के कैंपस में एक डॉक्टर और उसकी पत्नी के साथ साथ अपनी पत्नी अर्चना सिंह के साथ भी जमकर मारपीट की थी। तहरीर लेकर महिला थाने पहुंची थी, जहां पर एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई ना होने से नाराज महिला CO दफ्तर पर पहुंच गई, जहां पर उसने डॉक्टर सर्वेश निराला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लगभग एक सप्ताह पूर्व अपने ऊपर हुए हिंसा में उच्च अधिकारियों के दबाव के कारण क्षेत्र प्रशासन पुलिस द्वारा न्याय न मिलने से परेशान पीड़िता ने दिल्ली की एक गैर सरकारी संगठन एंटी करप्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर फाउंडेशन से मदद की गुहार लगाई है। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम अर्चना सिंह है और मैं डॉक्टर सर्वेश निराला की पत्नी हूँ। मैम, आज क्या प्रकरण हुआ है आपके साथ? आज ये हुआ कि एक हफ्ते गुजरने के बाद भी जो मैंने SHO ऑफिस में अपना शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना ही डॉक्टर सर्वेश निराला को बुलाकर उनसे इंक्वायरी की गई, जिसका इंतजार करके मैं बिल्कुल परेशान हो गई। और आज मैं CO ऑफिस नजीबाबाद में जाकर अपना फिर से प्रार्थना पत्र दिया और उस पर कार्रवाई की मांग की है। क्या चाहती हैं? सर, मैं ये चाहती हूँ कि डॉक्टर सर्वेश निराला जो भी मेरे साथ 4 साल तक गलत किए हैं, मुझे बहलाकर फुसलाकर अपने आप को अनमैरिड बताकर उनको उस गलती की सजा मिले। मैरिड हैं पहले? आपको नहीं पता था? जी, मुझे नहीं पता था, मेरे को शादी के बाद पता चला कि ये मैरिड भी हैं। अभी क्या आपके साथ घटना घटी थी कुछ दिन पहले, जो आप बता रही? कुछ दिन पहले सर, 19 तारीख ये घटना है, 19/5/2021 को करीब रात्रि 8:15 के बीच में डॉक्टर साहब वहाँ से नशे की हालत में धूल धोकर शराब पीकर यहाँ पर आए, मेरे साथ मारपीट की, लोहे की पाइप भी लाए थे और एक जो बाथरूम में पाइप यूज़ होता है वो भी लाए थे। तो मैं डर के किसी भी तरह अपना बल बचाव करके मैं सामने डॉक्टर सिल्विया के घर पर चली गई, और वो जबकि होम क्वारंटीन थे, उनके घर में जाकर मैंने दरवाज़ा लॉक कर लिया। फिर डॉक्टर साहब वहाँ भी पहुँच गए, वहाँ भी उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा, उनको भी गाली गलौज किया, और जब मैं उनके सामने आई तो उन्होंने मेरे पर वार भी किया पाइप से। जब भैया ने देखा कि लड़की जो है ये हो गई है, तो उन लोगों ने भी मेरा बल बचाव किया, जिस पे उनको भी धमकियाँ वगैरह मिली हुई हैं। अभी क्या चाहती हैं आप बस फाइनली? मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ, जो कि डॉक्टर सर्वेश निराला मेरे साथ इतना कुछ धोखाधड़ी किया, अपनी शादी रहते हुए भी मेरे से झूठ बताकर दूसरी शादी की। फिर डॉक्टर शील कुमार बोलता हूँ। सर साहब, क्या मामला हुआ है? ये मामला ये है कि डॉक्टर निराला, सर्वेश निराला यहाँ आए मेरे दरवाजे पे और गाली गलौज करी अच्छी खासे, मतलब अपशब्द जिन्हें मैं बयान नहीं कर सकता उस का इस्तेमाल करते हुए मेरा दरवाजा तोड़ा और मेरे साथ मारपीट करी, मेरी बीवी के साथ हाथापाई करी और मेरी बहन के साथ जो ये है अर्चना, अच्छा, मुंह वाली बहन है मेरी, तो उसके साथ भी बहुत। आपने क्या किया फिर? क्या करा, हाथापाई हुई है, बचाव करा मैंने अपने बच्चों का, अपने परिवार का बचाव किया, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ। बाकी मैंने पुलिस को फोन किया, सूचना दी, सूचना दी पुलिस को। हल्के का जो हमारे दरोगा हैं पीपल साहब पीछे खड़े हैं। अभी कहाँ है डॉक्टर निराला? कहाँ चले? पता नहीं, वो एकदम से जंगल में गायब हो गए, भाग गए। क्या चाहते हैं? भाई ये चाहता हूँ कि भाई थोड़ा तहजीब में रह ले, तमीज से रह ले, डॉक्टर है डॉक्टर की गरिमा के अनुसार रह ले, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अभी कहाँ तैनात है डॉक्टर? कासमपुर गढ़ी CSC अफजल गौर। आपके पास क्या पद है? मैं यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी। ठीक, मेरा नाम विकास कुमार राजे, फाउंडर एंड नेशनल चेयरमैन एंटी करप्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर फाउंडेशन। डॉक्टर सर्वेश निराला की पत्नी अर्चना सिंह आज क्षेत्रीय अधिकारी नजीबाबाद के यहाँ ऑफ कार्यालय पहुंची थी, जहां पर CO साहब उपलब्ध नहीं थे, वो कहीं जा रखे थे। ऐसे में वो उन्हें कहीं से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला, तब हमारे मौके पर जो हमारी टीम है वो पहुंची है। पीड़िता ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बताया कि डॉक्टर सर्वेश निराला काफी दिनों से, कई साल से बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कुछ घरेलू अंशो मानसिक उत्पीड़न वगैरह इस तरह की चीजें कर रहे हैं और इससे वो परेशान है काफी, और वो क्षेत्रीय प्रशासन से भी कई बार मदद की गुहार लगा चुकी है। उनका कहना है कि एक सप्ताह से वो पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, पर अभी तक FIR तक नहीं दर्ज की गई है और ये एक निंदनीय घटना है और इसका हम विरोध करते हैं।
और हम शासन प्रशासन से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो इसमें तत्काल कार्यवाही करे और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जो भी उचित कदम होंगे वो उठाएंगे। और हम ये भी प्रशासन से उम्मीद रखते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि अगर पीड़िता द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं डॉक्टर सर्वेश निराला पर, अगर वो सही है या उनसे कुछ भी है तो उस पर तत्काल कार्यवाही हो जानी चाहिए, उनको तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। बिजनौर की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।